तुम्हारे दुश्मन दीपक का जब तलक पता नहीं बताएगी। ये दुश्मन नहीं है, ये अपनी मालकिन है। नहीं, जल्लाद की नजर में ना तो जवान ना तो बूढ़ा ना तो मासूम, सिर्फ काल ही नजर आता है। काल, हट जाओ, भाग जाने दो। तो फिर पूछ करके आओ उसके बेटे का पता। पूछ लूंगा। अरे तुम लोगों को अपने बेटे का पता बताओगे? मालकिन, मालकिन लाला पायलट खुश रहो लाला। मालकिन, ये लाला तुम्हारा गुलाम है, आज तक तुम्हारी गुलामी करते चलाया है। राम जाने तुम अपने बेटे दीपक का पता बता दो, वरना तुम मारी जाओगी। लाला, आज तक तू जितनी भी गलतियां करता चला आया, मैं उन गलतियों पे पर्दा डालते चली आई। हर तेरी गलती पे मैं अपने स्वामी से झूठ बोलती रही, इन्हीं हाथों से तुझे खाना खिलाती थी, आज इन्हीं हाथों से मैं चला गया। लाला, जिस वक्त ठकुराइन गीता सिंह तुम्हारे गाल पे अपने हाथ का तमाचा दिया है, उसी वक्त हमारे रिवाल्वर का धमाका गीता सिंह के सीने पे हुआ। क्या कर दिया रे? गोली मार दिया है। अरे इसे गोली क्यों मार दिया? क्योंकि दुश्मन का पता नहीं बता रही थी, इसीलिए। दुश्मन नहीं थी, अपने माल की नहीं। आओ चला जाए। ये अपनी मालकिन थी? नहीं, इसके गोद में मासूम बच्चा, 6 महीने का बच्चा। अच्छा, और 6 महीने का बच्चा जब अपनी माँ के आंचल का दूध नहीं पाएगा तो जमीन पे सर पटक पटक के मर जाएगा। हाँ लाला, 6 महीने का कोई बालक नहीं होता है, बल्कि एक मांस का लथोड़ा होता है। मांस का लथोड़ा जब अपने माँ के स्तन का दूध पीने को नहीं पाएगा तो ससुरा जमीन पे सर पटक पटक के मर जाएगा। मर जाएगा। आओ चलते हैं। ठाकुराइन के जिस्म में हाथ लगाते ही लगाते तेरे जिस्म में बिजली का करंट फिट हो गया। मर गई? अरे गोली मार चुके हैं, उसकी दम निकल रही है। दम रे, मर गई? मर जाते दो। इजाजत हो तो कुछ कर लूं? क्या लाला? आई लव यू। आई लव यू? हाँ, क्योंकि लाला बिचारा कुंवारा है। कुंवारे हो? बचपन आया, बचपन से जवानी आई, हाय हाय, और जवानी से बुढ़ापा आ गया, हाय हाय। लेकिन लाला कभी औरत का मुख नहीं देखा। ओ लाला, तुम्हारा एहसान हमारे सर के ऊपर पकाया है, उसे बाकी मत रखो। तो इजाजत है? करो। इजाजत है? कर लो। जाओ जाओ। चल लाला, आज तेरी किस्मत खुली, जो राम जाने औरत मिली। तलक औरत नहीं पाए, लाला भक्ति मा ध्यान लगावे, औ मलिकिन संग भोग लगावे। बोल श्याम राम चंद्र की, तेरे गो
गोरे गाल मुझे मार ले। में रोने की आवाज बढ़ करके देखो सरदार जी बढ़ कर किसी ने इसकी हत्या करके छोड़ गए हैं तड़पते उसे उठाओ। अपने चम्बल घाटी में पहली बार ये हादसा सही कहा पहाड़िया उठा इसे कुछ बोझ रहा होश में थोड़ा आ रहा अरे बहरा तुम कौन हो और क्या है तेरा नाम और धोगनी कहाँ तेरा सुरधाम। छोड़ दे लाला छोड़ दे मुझे आप लोग हम लोग डाकू हैं हम लोग झाटू हैं आप लोग जानना चाहते हैं मैं कहाँ रखी रहने वाली हूँ। पटना जिला बिहार में रामपुर एक ग्राम और वही हूँ मैं रहने वाली गीता मेरा नाम सिंह की पत्नी हूँ और दुष्ट लाला और बेरहम मुझ पर है ढायो ये सितम। ए बहरा रो नहीं दिल में करा थोड़ी सबर दुख दिया भगवान ने वही सुने तेरी खबर। आज तुमने हमें बहन कहा है भैया एक और कहना मेरा भैया मेरे पास वक्त बहुत कम है एक और कहना मेरा भैया मेरे कर दीजिए है मेरा अंतिम समय बेटा मेरा दिखलाइए भैया मेरा बेटा झाड़ी में वो झाड़ी में रो रहा है भैया लाओ मैं अपने बेटे दीपक को एक बार देख लूं। बेटा आज देख तेरे माँ का हाल क्या है
आज तुझे छोड़ के जा रही है। ए, बेटा रोना नहीं, नहीं आज आज अपनी मैया को हंसते हंसते विदा करो। भैया 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 आज तुमने बहन कहा है तो क्या भाई का फर्ज नहीं अदा करोगे? भैया आप मुझसे वादा करो भैया, वादा करो कि जब मेरा बेटा 20 साल का हो जाए सारी हकीकत बता देना। और भैया हमारे बेटे दीपक से ही बदला, आज हमारे बेटे दीपक से बदला चुकवाना भैया। आज से ये बेटा आपका है भैया, हमारे बेटे की रक्षा करना भैया। वो देखो हमारे स्वामी बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ बेटा। सरदार जी मंगल सिंह, ये बहन जाते जाते समय क्या मांगा? दुश्मनों की मौत। और आज से इसे दीपक नहीं। देखो मंगल सिंह, सरदार जी आपका कहना सही है, सुबह का वक्त है, सूरज निकलने वाले हैं। और इसका नाम क्या रखा जाए? बहाली बोलो क्या रखा जाए नाम? ये का डगर मिल गए का नाम धरो डगरू। ऐसे धरे जाते मंगर मंगर कहा मंगरू, बुद्धा कहा बुद्ध का बुद्धा। नहीं रे अच्छा नाम, कोई अच्छा नाम सोचो विचारो। तो सरदार जी आप इसका नाम रखो। कहने का मतलब सरदार जी बोलो, आज तुम्हें मालवना सुबह का वक्त है, सूरज निकलने वाले है, आज से इस चम्बल में बच्चा रहेगा, इसकी परवरिश करो और इसका नाम रखो सूरास। मंगल सिंह आज से चोरी डकैती करना सब छूट गया, जब तक ये बच्चा होशियार नहीं हो सकता तब तक हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। सही कहते सरदार जी। अब सरदार जी बात सही कहो, ये हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की आला। सिर लगाओ रे, yeah।
हंसो मत, समझो हम और तुम इस केस में फंस गए। किस केस की बात कर रहे हो लाला? ठाकुर का खून किया है। इसमें कोई शक? ठाकुरायन की हत्या किया है। कोई शक? ठाकुरायन के साथ बलात्कार मैंने किया है। चलता हूँ। राम राम। बड़ी आसानी से राम 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 राम, बहुत जल्दी राम राम कर रहे हो। भाग जाऊंगा। हाँ मानता हूं कि डबल 302 के मुलजिम हम हैं, डबल 302 के मुलजिम हम हैं, या हमारे लिए अदालत से उम्र कैद की सजा या सजाए मौत सुनाई जाएगी, तो सारा जीवन तुम भी जेल में चक्की पीसोगे। चक्की क्यों पीसूंगा? चक्की पीसोगे। ठाकुरायन की हत्या हमने किया, ठाकुर अभय सिंह की हत्या हमने किया, ठाकुरायन के साथ बलात्कार तुमने किया। अब बलात्कार का मतलब समझते हो? आई लव यू। आई लव यू नहीं, धारा 376। ये 76 क्या होता है? 76 नहीं जानते हो, जिसे तुम आई लव यू कहते हो उसी को कहते हैं 76। जिसे आई लव यू कहते हो उसी को। मेरे माई बाप, मुझे 76 से बचा लो। 76 से अगर बचना चाहते हो तो हमारे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय? इसी वक्त हमारे साथ चलो रामपुर थाने को। थाने नहीं जाओगे तो 76 से बच नहीं पाओगे, मर जाओगे हम नहीं जानते। कानों कान अगर सागर सिंह इंस्पेक्टर ने सुन लिया कि लाला ने ठाकुरायन के साथ में बलात्कार किया है, तो इतने पत्ते चूतर पर मारेगा कि इतने तो बड़े छाला पड़ जाएंगे, टट्टी फिरने को तरसोगे। पटे नहीं खाऊंगा। पटे नहीं खाओगे तो चलना पड़ेगा। चलूंगा। चलोगे? हाँ। तो वहां पर कहना क्या होगा? क्या कहना होगा? कि आज रात्रि 12 बजे ठाकुर अभय सिंह के हवेली पर डकैती पड़ी है। कौन कहता है मादर चोर डकैती पड़ी है? फिर वही बात, 76 से बचना चाहते हो तो झूठ बोलना पड़ेगा। राम जाने लाला कभी झूठ नहीं बोलता। जिंदगी नरक बना देगा, टट्टी फिरने को तरस जाओगे। आई लव यू जिसे 76 कहते हैं उसी को आई लव यू कहते हैं, समझ गए? आज रात्रि 12 बजे ठाकुर अभय सिंह की हवेली पर डकैती पड़ी। डाका डालने वाला कौन इंसान? वही चम्बल का मशहूर डाकू जिसका नाम है जवाहर सिंह, जिसके नाम से गवर्नमेंट ने 1,00,000 रुपए का इनाम रखा है, समझ गए? जिस वक्त डाकू जवाहर सिंह और उसके कुल साथी लोग डाका डालने से रुकिया तो अपने बंदूकों से फायरिंग कर रहे थे, समझ गए? फायरिंग की आवाज गांव वालों ने सुनकर के एकदम शोरगुल मचाया और हमेली के तरफ जब भागे तो डाकू जवाहर सिंह हमेली से निकला और अपनी बंदूकों को तान कर बोला कि गांव वालों वापस चले जाओ, अगर बच्चे वापस नहीं जाते हो तो गांव का एक बच्चा सलामत नहीं छोड़ूंगा। यही बस कहना है। अब खून क्यों किया? क्यों किया? हाँ, जब इंस्पेक्टर साहब पूछे अगर खून किया तो क्यों किया, महाराज अभय सिंह से गुप्त खजाने की यानी ताखाने की चाबी मांग रहा था। जमींदारों के वहां खजाने का जो खजाना जहां पर रखते थे उसे ताखाना बोलते हैं, गुप्त खजाने की चाबी मांग रहा था। वो चाबी देने से ठाकुर अभय सिंह ठाकुरायन गीता सिंह जब इनकार किया तो तुरंत गोली से शिकार। और गोली तो तुमने मारा है। और ये 76 से बचना चाहते हो तो झूठ कहना होगा। राम जाने झूठ नहीं बोलूंगा। गोली तुमने मारा है। अरे गोली हम मारा, 76 से बचना है तो कहोगे किसको? जवाहर सिंह को। गोली तुमने मारा है। अरे गोली हमने मारा है बाबा, मानते हैं, लेकिन खून किसने किया? क्या वहां पर जब बूझे तो क्या कहोगे? डाकू जवाहर सिंह ने किया है। खून आपने किया। डबल 302 से हम बचेंगे, 76 से तुम साले बच जाओगे बाल बाल। खून किसने किया? तुमने। हमने नहीं। जब वहां पर इंस्पेक्टर साहब पूछे तो कहना खून डाकू जवाहर सिंह ने किया। डाकू
डाकू नहीं, डाकू जौहर सिंह ने, डाकू जौहर सिंह, हाँ खून किसने किया? तुमने। हम पट्टे की तरह तुम्हें पढ़ा रहे हैं, है? जैसे तोता पाला जाता है, अरे बहन जी सही कह रहे हैं, जैसे एक तोता पाला जाता है और तोते को पट्टे पोत पढ़ो सीताराम तो सीताराम कहने लगता है, और तुम एक मामूली नाम नहीं याद कर पा रहे हो, खून किसने किया? कक्षा एक में जब बच्चे का एडमिशन कराया जाता है तो मास्टर साहब ने का खा गा से लगा करके शतरंग ज्ञान तक का ज्ञान करा देते हैं, शौतक गिनतियों का ज्ञान एक महीने के अंदर करा देते हैं, और तुम्हें एक नाम नहीं रट पा रहे, डाकू जौहर सिंह। डाकू जौहर सिंह, हाँ डाकू जौहर सिंह, खून किसने किया? डाकू जौहर सिंह। शाबाश, डाकू जौहर, शाबाश। एक काम करना, हम अभी जमींदार तो है नहीं, ना तुम हो, अभी चार्ज हमारे पास नहीं है, लेकिन एक काम करना, 2-4 10,000 रुपए का बंदोबस्त कर लेना। एक पैसा नहीं है। अरे कहीं से कर लेना यार, फिर चलो मांग लेंगे कहीं से, कहीं से ले लेना, और गॉल पुश के मार देंगे। खून किसने किया? डाकू। फिर वही बात, डाकू का नाम भूल गए, फिर डाकू जौहर, हम अलग बैठाल दे जाएंगे थाने में, बयान तुम्हारे पड़ेंगे, केस के चश्मदीन के बाद तुम हो। खून किसने किया? डाकू ने। इतने पट्टे मारेगा चूतर में छाला पड़ जाएंगे। डाकू ने किया? डाकू जौहर सिंह ने किया है। डाकू जौहर सिंह ने किया। रटते रहो। ओ ये सार दुनहु उतने कर्म चौत हैं, जयका भैया कुछ कह नहीं सकते हैं। ये सार जोन ठाकुर बेरहम सिंह है, बहुत सार हरामी है, हमारी दैया मरी गई भैया, उनका फूंक ताप के यहाँ दुआरे पर बैठ, यो सार इतना दूध क्या शौखीन भैया तुमका का बताई, 50,000 रुपये कुंडा भाई सिलावा बरकत भाई, 50,000 कुंडा भाई सिलावा बरकत भाई, हम तक अलग नौकरबा, हम कहने का मालिक का लग जा भाई से खोल ले और झबरा तेरे नहवाला, हमरे वही सब गम भरी रहे, दैया हमारी मरी गई, दूसरे यही खून भोसड़ी खबलाई दीन, उठान गुस्सा में यहाँ धड़हत्था डंडा और खोले ना भाई से यहाँ बीचो बीच झबरा में यहाँ खड़ी कर जाए, और मुहुई मुह कोखे कोखी, मुहुई मुह कोखे कोखी, मारी भाई सिंधु को मुंह फुलाई देहन, लाए खूंटे में बांध देहन, वह भाई सुबेरे है डारी गए, दूध नहीं बार उखाई ले हमारे भवसड़ी की, इनके इनके दोनों जने की संघव लागत रहा और इनकी बुआ को चौदत रहा भवसड़ी में, अब इनकी नौकरे नहीं करीबा, इनकी नौकरे नहीं करीबा, अब हम जा रहे हैं थाने में चौकीदारी करीबा, साहिबन संग हनक देवीबा, बढ़िया बढ़िया खईबा, और जेल खनवा मामोरी ससुरार, जेल खनवा मामोरी ससुरार, अदालत मा भौली ससुरा 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 है को सवाल, अदालत में भई ये साला थाना है या रंडी खाना, नहीं तो कोई चौकीदार, नहीं तो कोई कर्मचारी, कोई भी थाने के अंदर दिखाई नहीं पड़ते हैं, और जब से आए हैं अभी आए, चलते चलते पहुंचते आए, लेकिन इस थाने का ऐसा माहौल है,
नहीं तो कोई चौकीदार, नहीं तो कोई कर्मचारी, कोई भी नजर नहीं आते। साली पुलिस की नौकरी नौकरी नहीं बल्कि बवाले जान है। नहीं तो खाना खाने की फुर्सत, नहीं तो नहाने की फुर्सत, हर समय ड्यूटी ड्यूटी। ये नहीं नहीं चौकीदार, अब चलो चौकीदार को आवाज लगाते हैं। चौकीदार क्या कर रहे हो रे, क्या रे? देखा साले की बदतमीजी, ड्यूटी करता है सरकार की, तनख्वाह खाता है सरकार की, और साला गेट के बाहर चेला ही चीरता रहता है। जल्दी आओ साले। ये शाला का था, लगता है इसमें कोई अलाय बलाय है। ऐसे साला आया, मारा साला ठोकर, वहां जाके गिर गए। साले आवाज तो साले चौकीदार को दिया था। चौकीदार है साहेब, नहीं आओ क्यों रे? कौन हो यहाँ के? चौकीदार। चौकीदार चौकीदार ना चौकी सब्जी वाला भौसड़ी आदमी है भालू, तेरी माँ को चौदह भौसड़ी के आए हैं। यहू सारे बताए रहा साले, उसे बोलते हैं चौकीदार। चौकीदार हो यहाँ के? हाँ। तो वतनी तेज का बता तो। हाँ मालूम दे, सुना देना है। क्या नाम है तुम्हारा? घासी। घासी? बाप का नाम? फुलासी। रहते कहाँ हो? बासी। जात क्या है? बासी। तेरी माँ को चौदह भौसड़ी के आए हैं, बिल्कुल बनिया माओ की पुराण सुना रहे हैं, बिल्कुल रामायण बनाए रखे। खानदानी ना हो हमारा। खानदानी ना हो? घासी पासी लासी भुलासी हो का है रे? या खानदानी ना हो? खानदानी ना तेरी माँ को छोड़ दे। एक मारे कहीं टीवी टावर बने जा रहे हैं, हाँ एक मारे कहीं रहे ना तेरे लम्बे ना बना उठ कर कहाँ चुम्मी आ रही हूँ। क्यों रे साले उल्लू के पट्टे बता रहे हो? उठ कर गाड़ी चुम्मी आ रहे, मारी चाहता के डरीबा जो बोलते हो। क्यों रे चौकीदार? कितने दिन से चौकीदारी कर रहे हो रे? 95 साल। 95 साल? ओ और उम्र तुम्हारी कितनी है? 25 साल।
वो कैसे रे? जान नहीं पाओ? नहीं जान पाए। पहले हमारे बाबा करते रहा। का रे? पहले हमारे बाबा ये हम करते रहा, ये हम करते रहा, ये हम करते रहा, करते रहा। थाने में थाने में थाने थाने में बताओ भोसड़ी बताते हम करते रहा। बाबा हमारे मर गए। अब कौन कर रहा रे? तब हमारे बाप्पा यह थाने ये हम करे लगे, यह ना यह में यह में हम थाने थाने। तब भोसड़ी कैसे थाने में बताओ, ऐसे तुम तो वैसे बता रहे। अब बाप्पा क्या सुधा नहीं हो का रे? करिहाओ 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 तो करिहाओ का नाम पहले ले भोसड़ी बता दे, सुधा ही नहीं हो। खटिया पर पड़े रहते, खटिया पर, खटिया पर पड़े रहते हैं। उन्हें जब तक उनकी जगह ले लें तब तक हम हुए हम कर रहे हैं। अच्छा उनकी जगह ले लें तो तुम हुए हम कह रहे हैं। थाने में थाने हमारी भोसड़ी के मुंह रख जाए तुम्हारा भाई। तीन पीढ़ी मिला के 95 साल भाई। हाँ तो वैसे बताओ मारे हम घबराए कि ना बताओ, 95 साल उम्र हमारी भाई। उम्र 25 साल साहेब। हाँ हमार ले लो अपन नहीं दे हो। हाँ भागा जा रहे हो साहेब, यहाँ पर्चे पर्चे पर्चे। आज तोरी मत कहता कि बुआ के बुड़ी मार रहा हूँ। सार बतावत अपन हमार ले ले हो अपन ना दे हो। पर्चे पर्चे। हाँ तो पर्चे का नाम ले हो तू मारी घबराएगे। घबराओ ना हमारे मुआ लतना है तुम समझते हो। लतना फिर हम लाता ही मारी दे। तो ऐसे बताए हो तू पर्चे कहा दे हो ना। हम ही को लोग कहते हैं आई एम चड्ढा सिंह। इनका भैया ना आई एम गड्ढा सिंह है। हाँ गड्ढा नहीं होल बताओ। आई एम चड्ढा सिंह। आई एम गड्ढा चड्ढा सिंह। चड्ढा सिंह वो भाट जाए सोच ले। चड्ढा सिंह चड्ढा सिंह हम बहुत कड़क हवलदार हैं। हम जाने दें। हाँ रे आई एम गड्ढा, आई एम चड्ढा सिंह नाम है मेरा। चड्ढा सिंह नाम है मेरा। हम जिसको निचोड़ निचोड़ को मारते हैं उसको डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं कि हम नहीं ठीक कर पाएंगे। क्यों रे? चलो सब बात छोड़ो। तुम कौन कौन सामान पाए थे रे चौकीदारी में? चौकीदारी हाँ ऐसा लठिया पटक रहे हो भी फर्श टूट जाएगी। जवाब किसको देना पड़ेगा रे? जवाब आपको देना पड़ेगा साहब। हाँ फर्श तोड़ो तुम, लठिया पटको तुम, जवाब दी हम। साले मारेंगे तो साले मुंह नचवा हो जाओगे अभी। और कौन सामान मिला था रे? साइकिल। कहाँ है रे? बाहर साइकिल खड़ी है साले, लेने जा रहे हैं ऑफिस के अंदर लेकर रख देंगे। हाँ बाहर खड़ी हम देख लेंगे। और कौन सामान मिला था? साफा। कहाँ है रे? यो साफा। साफा ऐसे बांधे घूम रहे हो भोंसड़ी के मालूम दे बने मछेटा के काजल हिजड़ा घूम रहे हो। और कैसे पर साफा साफे की तरीके से डालो। जब साफा साफे की तरीके से डायरेक है। हाँ साफा साफे की तरीके से तो लाठी कर तो कोई काम है नहीं। भैया कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं 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 भैया, जब साफा साफे की तरीके से तो लाठी कर तो कोई काम है नहीं। कोई काम नहीं लाठी तो कोई है ना साहब का। कोई काम नहीं लाठी रोके हो। अब हे तुम्हारी भाई लागत बुढ़ा पापर आओ खाले कई देव को पड़ी है। अरे वही ते नाएगा मुझे हुई तक आई बताए तुमका हम दे रहे वन तक नहीं। अभी शाले उधर कोई लाठी रखने की जगह है? अभी किसी के लग जाती निकालता जूता 50 मारता शाले खोपड़ी में बाहर नहीं रह जाते। चल हमारे बप्पा नहीं बताई नहीं कैसे साफा पड़ते है कैसे नहीं पड़ते है कैसे ओई उल्टा सीधा डाल ले भी। आओ बाबा पानी पत्ता कह ले भाई, दुकान में जितना सौदा रहा है तुम्हें निकाल लेगी हो।
आओ आओ अर सिंगार दानी छोटी आए दैया दैया हमारे खेत में आलू आलू हमारे खेत में आलू आलू ससुर बड़े चालू से परेशान हो गए काहे मार क्यों रे हमारे खेत में आलू आलू ससुर बड़े चालू हाय दैया दैया मारेंगे साले भौंसड़ी के एक लाद खोपड़ी पर से बात का हो गया बता साले साफा डाल रहे हो कि बिल्कुल साले हिजड़ा लग रहे हो